हेलो एंड वेलकम गाइस, शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो आरआरसी ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है। गाइस, आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से ये न्यूज आ रही है कि ग्रुप डी का रिजल्ट जल्दी आने वाला है, तो क्या ये न्यूज सच है या नहीं, आज हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए गाइस, हम यदि बात करें कि हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कब तक होने वाला है, तो आप सभी को पता है कि लगभग जनवरी तक आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। और यदि मैं बात करूं कि एग्जाम रिजल्ट कब तक आने वाला है, तो आप खुद सोचिए कि अलग अलग फेज में हमारे एग्जाम्स हुए हैं और एग्जाम होने के बाद ही आपकी आंसर की भी जल्दी प्रोवाइड करा दी गई थी। अब आंसर की के बाद यदि बात करें तो सिर्फ रिजल्ट आने की देर है और रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की प्रोसेस बाकी रह जाती है। तो यदि जनवरी को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। अब देखिए, इस समय बहुत डिस्कशन ये हो रहा है, हर जगह न्यूज ये ही है कि ग्रुप डी का रिजल्ट आज नहीं तो कल जल्दी ही आ जाएगा। मगर मैं बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन या नोटिस के कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बट 80% आपके चांसेस ये बनते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो उसकी जो एक एक्सपेक्टेड डेट है वो हमारी नवंबर लास्ट वीक से दिसंबर फर्स्ट वीक तक हो सकती है। तो प्लीज आप सभी रिजल्ट के लिए रेडी रहिए और उम्मीद यही करते हैं कि सभी का पॉजिटिव रिजल्ट आए। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ गाइस आपसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कि ग्रुप डी एग्जाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए गाइस, ऑलरेडी अलग अलग फेज के हिसाब से मैंने कट ऑफ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से चेक कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस तरीके से मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। तो आप वहां जाएंगे तो आपको आपके जोन और आपके फेस के अकॉर्डिंग वहां पे कट ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि यदि किसी कैंडिडेट के मार्क्स थोड़ा कम आ रहे हैं और आपको नहीं लग रहे हैं अपने चांसेस या अपने चांसेस थोड़ा कम लग रहे हैं, तो भी आप फिजिकल टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके बढ़ जाएं और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आप सिलेक्ट हो जाएं। तो गाइस प्लीज, फिजिकल के लिए तो आप रेडी रहिए ही। और वो कैंडिडेट जिनको अपनी बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही है कि हम यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद उनके मार्क्स बढ़ते भी हैं तो नहीं हो पाएगा उनका सिलेक्शन, तो वो गिव अप कर सकते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट जिनको थोड़ा बहुत मार्क्स बढ़ने पर वो कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं और उनके मार्क्स ज्यादा अच्छे भी नहीं है और ना ही बहुत बुरे हैं, तो वो फिजिकल टेस्ट के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और रिजल्ट आने के बाद कुछ ही समय में फिजिकल टेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज आप उसके लिए तैयार रहिए। एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ गाइस कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं बट उतने अच्छे नहीं है कि वो मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाए, या फिर उनको थोड़ा सा डाउट है कि हम फर्स्ट टियर तो क्लियर कर सकते हैं बट क्या हम मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाए पाएंगे आफ्टर पीईटी। तो देखिए, उसके बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपका रिजल्ट आ जाने दीजिए। रिजल्ट आने के बाद कहाँ का कट ऑफ कितना गया हुआ है, किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया हुआ है, उसके हिसाब से फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि पीईटी के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है कि नहीं। बट अभी आपको सबसे पहले फिजिकल टेस्ट की तैयारी करनी है, यदि आप एक उम्मीद रखते हैं कि आपका फर्स्ट एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कट ऑफ फाइनल कट ऑफ मेरिट लिस्ट के लिए कितना हो सकता है। तो प्लीज गाइस, इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।